सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस इंस्टेंटली। अपने वाइब्रेशंस को कैसे हाई करें, कैसे इंस्टेंटली शिफ्ट करें। अगर आपके वाइब्रेशंस इस वक्त लो हैं, देन इफ़ यू आर वंडरिंग कि इसको मैं हाई कैसे करूं, तो कुछ सिंपल सी ऐसी टिप्स या तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने वाइब्रेशंस को इंस्टेंटली हाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला तरीका है वो है ग्रैटिट्यूड। यस, अगर आप यू नो ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हो, तो सिंपली जब आपके वाइब्रेशंस लो हो, जब आपको नेगेटिव फील हो रहा हो, तो आप अपनी लिस्ट पढ़ सकते हो। आपने एफर्मेशंस लिखी हो तो वो पढ़ सकते हो, या आप लिख सकते हो दोबारा से। तो जब भी आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, तभी दिस इज़ द इम्पॉसिबल कि आप उस वक्त नेगेटिव फील करें। तो दिस इज़ द वेरी इजीएस्ट एंड बेस्ट वे टू रेज योर वाइब्रेशंस। ठीक है, सेकेंड तरीका है यहाँ पे कि आप म्यूजिक सुनें। देखिए, म्यूजिक से आप इंस्टेंटली अपने वाइब्रेशंस को यू नो शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी पावरफुल वे। जब भी म्यूजिक सुनते हैं, एक अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनते हैं, जो इंस्पायरिंग म्यूजिक होते हैं, हैप्पी म्यूजिक होते हैं, तो आप अपने मूड को कैसे अच्छा बना लेते हो, है ना। तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे कि आप अपने मूड को अच्छा कर सकते हो, अपनी एनर्जी को हैप्पी कर सकते हो, पॉजिटिव बना सकते हो, राइट। उसके अलावा आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, किसी को फॉलो, मेरे वीडियो भी देख सकते हो, एंड आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हो, आपकी फेवरेट बुक कोई हो तो वो पढ़ सकते हो। आप किसी लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, किसी के साथ बात करिए, अपने अंदर की फ्लोज या अपने अंदर के इमोशंस को किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी कोई नियर वन आपके होंगे ही, उसके साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। एंड अगर आप हार्ट ब्रेक से सफ़र कर रहे हो, है ना, या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा अकेले ना रहें। ठीक है, क्योंकि जितना अकेले रहेंगे ना, आपके माइंड में वही सब चीज़ें चलेंगी। तो यू हैव टू हैव समवन कि जो आपको इन चीज़ों में थोड़ा सपोर्ट करे। तो आपके जो ऐसे डियर वंस हैं, आपका पार्टनर है, जो भी है, आपका फ्रेंड, आपके सिबलिंग्स, कोई भी, उनके साथ अपने बातों को शेयर करिए। एंड कुछ ना कुछ आपको उनसे गाइडेंस मिलेगा, हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, तो बिना कि आपके वाइब्रेशंस भी हाई होंगे। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, समझनी है, बिकॉज यू आर नॉट लाइक कि आपको बस दुखी रहना है, क्योंकि आप वो डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, यू डिज़र्व हैप्पीनेस, है ना, बट वो हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको हैप्पी बनना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ मुझे आज के इस वीडियो में समझानी थी। तो आप उन वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए कुछ भी ऐसा करें, और मैंने जो आपको बताया, इसके अलावा भी आप अगर कुछ करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, ऐसा कोई, तो वो आप बिल्कुल शेयर करना, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, दूसरे लोग भी वो देखेंगे, वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगी। सो बस दिस इज़ द टुडेज एक्सप्लेनेशन कि बस मुझे यही समझाना था कि वाइब्रेशंस को हाई कैसे करें, और करना हरदम, मतलब जितना पॉसिबल हो उतना हम अपने वाइब्रेशन को हाई रखेंगे, तो हम अपने डिज़ायर्स के साथ अलाइन रहेंगे, है ना। तो बस आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।